गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिव्यूज देने जा रही हूँ लव लैब कॉम्फाई हाई चेयर के। ये मैंने अमेजोन से परचेज की है। इसका कलर बहुत ही सुंदर और प्यारा है, अट्रैक्टिव है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर है, एक्चुअली ये पैरट ग्रीन कलर है। और इसका प्राइस जो मैंने परचेस किया है 3057 रुपीज़। जी हाँ, 3057 रुपीज़ में। और जैसे कि मैं आपको मैंने बताया कि मैंने अमेज़ॉन से इसको परचेस किया था, तो मुझे डिलीवरी बहुत जल्दी मिल गई थी। मैंने बिना व्हील्स वाली चेयर ऑर्डर करी थी। एक्चुअली अमेज़ॉन इसमें ऑप्शंस दे रहा है कि आपको विद व्हील्स चाहिए या विदाउट व्हील्स, तो मुझे तो व्हील्स की ज़रूरत नहीं थी। आप एक बार परचेस करने से पहले ज़रूर देख लेना कि आपको कौन सी वाली चेयर चाहिए। इसके फीचर्स पे आते हैं। ये काफ़ी लाइट एल्यूमिनियम फ्रेम से ये बना हुआ है। ये चेयर का वेट है 3 kg। और इसकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छा इन्होंने यूज़ किया है, अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी ड्यूरेबल है ये चेयर एक्चुअली। और ये देखिए, काफ़ी लाइट चेयर है, बहुत अच्छा एल्यूमिनियम यूज़ किया है, एल्यूमिनियम की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, और अब हम आते हैं इसकी सीट में। सीट में फुल कुशन है, बेबी आराम से बैठ सकता है। अगर वो पीछे को भी अगर लधार जैसी लेता है, सपोर्ट जैसा लेता है, तो उसको चुभेगी नहीं सीट, क्योंकि काफ़ी वेल कुशन्ड है। और कितना अंबार होता है ना, बेबी खाना खाते समय इधर उधर हाथ से दाग लगा देते हैं या खाना गिरा देते हैं, तो उसकी भी कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सीट हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इजीली रिमूव करके इसको धो सकते हैं। बेटर होगा कि आपने हैंड वॉश यूज़ करें, हाथ से धोएं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में हो सकता है कि ख़राब हो जाए जो उसका सॉफ्टनेस है, तो हैंड वॉश इज़ द बेस्ट। इसमें 5 point सेफ्टी हार्नेस बेल्ट भी दी गई है, जिससे आपका बेबी सिक्योर हो जाए और गिरे नहीं और कंफर्टेबली आराम से देर तक बैठा रहे। इसकी जो डाइनिंग ट्रे है वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी डाइनिंग ट्रे जो है ना, ये काफ़ी छोटी है, मतलब मीन्स इतनी बड़ी भी नहीं है। बच्चा खाना गिरा देता है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है, बच्चा खाने से भी खेलने लग जाता है। तो इसकी डाइनिंग ट्रे मुझको पसंद नहीं आई, काफ़ी छोटी दी गई है। देखिए, मैंने एक कटोरे में एग रखा है, तो मैं अभी आपको एक प्लेट से कंपेयर करके दिखाऊंगी। ये प्लेट है, ये प्लेट भी छोटी है एक्चुअली। देखिए प्लेट कैसे बाहर आ रही है इसकी, क्योंकि ट्रे जो है काफ़ी छोटी है, थोड़ा सा बड़ा साइज देना चाहिए था ट्रे का, बच्चा गिरा देता है ना खाना। देखिए ट्रे अभी भी बाहर आ रही है। और इसको क्लीन करना भी इतना इजी नहीं है इस ट्रे को। एक्चुअली इसमें ऊपर से इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है कि हम रिमूव कर सके कुछ ऊपर से प्लास्टिक का, तो जैसे आजकल की ट्रे सारी है ना कि क्लीन करना बहुत इजी है, क्योंकि सेपरेट रिमूवेबल ट्रे देते हैं वो लोग, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम है। और हम इस हाई चेयर को मैक्सिमम 3 years तक ही यूज़ कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिए, बिकॉज इसकी सीट है ना वो स्पेशियस नहीं है। जी हाँ, इसकी सीट काफ़ी छोटी है, वो स्पेशियस नहीं है। मैक्सिमम हम 3 years तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बेबी हेल्दी है, थोड़ा सा मोटा है, तो मुझे लगता है काफ़ी अनकम्फर्टेबल होगा, क्योंकि तो सीट काफ़ी छोटी है इसकी। और ये जो चेयर है ना, ये काफ़ी इजी फोल्डिंग भी नहीं है कि आपने आराम से फोल्ड कर लिया, तो फोल्ड करना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और जो फुट ट्रे है ये एडजस्टेबल है, लेकिन इसको एडजस्ट करना भी बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो पा रही है। और देखिए, अभी तक मैंने ढंग से एडजस्ट भी नहीं कर रही है इसको। एक्चुअली इसमें स्क्रूज लगते हैं, तो ऐसे आप बार बार इसको ट्रे को एडजस्ट करोगे, आगे पीछे करोगे, तो हो सकता है इसका कोई पार्ट लूज हो जाए और ट्रे ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने अभी इसको एडजस्ट नहीं करा, मैं बाद में करूँगी इसको एडजस्ट। बाकी लेग्स वेग्स ठीक है टिल 3 years के बच्चे के लिए। अगर आपका
चेयर से, मतलब आपको मन है कि आप आगे से ट्रे हटा दें और अपने बच्चे को डाइनिंग टेबल में अपने साथ बैठा के खिलाएं, तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रे रिमूव करके डाइनिंग टेबल के पास ले आए और बच्चा खा सकता है। और फोल्डेबल है, फोल्ड करके आप रख सकते हैं अगर आपके घर में कम स्पेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इजी फोल्डेबल है, इसके फोल्ड करने में भी काफ़ी हेडेक है, काफ़ी आपको वो करना पड़ेगा, एनर्जी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसको फोल्ड करने के। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना, आपको ये हाई चेयर कैसी लगी, अगर आपने यूज़ करी तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आपको मेरे वीडियो से अगर कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।